मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में पकड़ी गई दगाबाज दुल्हन, प्यार का झांसा देकर शादी और फिर ब्लैकमेलिंग करने वाली युवती गिरफ्तार। 8 लोगों को बना चुकी थी हनी ट्रैप का शिकार, अब पहुंची जेल। पुलिस को अब युवती की मां और एक अन्य की तलाश। ये युवती अपना नाम बताती है आयुषी भाटिया और इसकी उम्र है महज 22 साल। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके में रहने वाली ये युवती वैसे तो बीए ऑनर्स की स्टूडेंट होने का दावा करती है, पर इसका धंधा है हनी ट्रैपिंग का। पिछले एक साल में अब तक 8 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले करा चुकी है दर्ज, और इसके इस धंधे में इसकी माँ और एक व्यक्ति अन्य भी शामिल बताए गए हैं। प्यार का झांसा देकर शादी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करने वाली इस युवती को आज न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने किया है गिरफ्तार, जो अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। लोगों को प्यार और शादी के नाम पर ठगने वाली इस युवती का तरीका एक क्राइम सीधा सा ये था कि ये पहले करती थी प्यार का नाटक, फिर बनाती थी शादी का दबाव। कोई पैसे देकर इसके चंगुल से बच निकला तो ठीक, वरना उसके लिए जेल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता था, क्योंकि जो इसकी पैसे की ख्वाहिश पूरी करता वो बच निकलता और जो नहीं कर पाता वो पहुंच जाता था जेल, क्योंकि ये सीधे रेप का मामला दर्ज कराती थी। इसकी गवाही के तौर पर ये काफी है कि ये महज एक साल में ही अभी तक 8 लोगों के खिलाफ रेप के मामले दर्ज करा चुकी थी। हाल ही में करनाल की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके बेटे ने युवती के माध्यम से किराए का कमरा लिया था, लेकिन बाद में युवती ने दोस्ती कर ली और कर ली शादी की मांग और मना करने पर दी रेप केस कराने की धमकी। यही नहीं, 24 अक्टूबर को इसने डीएलएफ फेज 3 थाने में दर्ज करा दी FIR, पर अभी भी कर रही थी पैसे की डिमांड। करनाल के युवक के माँ की शिकायत पर अपनी पुलिस जी ने दर्ज किया मामला और शुरू की पड़ताल। यहाँ बता दें कि हनी ट्रैप के इस केस में इससे पूर्व भी एक सोशल एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने पीड़ित युवकों को तलाश कर पुलिस कमिश्नर से की थी शिकायत और साथ ही हरियाणा महिला आयोग को भी भेजी शिकायत। महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज दलाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत CM और DGP को अवगत कराया और मामले में SIT के गठन को कहा। वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। इस बेहद संवेदनशील मामले की जांच करते हुए थाना न्यू कॉलोनी के SHO इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस दगाबाज युवती के खेल का कर दिया पर्दाफाश। पुलिस ने हनी ट्रैप रॉकेट की सरगना इस युवती को कर लिया गिरफ्तार, जिसने प्रारंभिक पूछताछ में अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं। पुलिस पूछताछ में युवती ने खुलासा किया है कि वह मकान किराए पर दिलाने के नाम पर फंसाती थी ग्राहक और फिर उनसे प्यार का नाटक कर पहुंच जाती थी शादी तक, और जब कोई मना करता तो कर देती पैसे की डिमांड और नहीं मिलने पर दर्ज करा देती थी रेप का केस। ACP क्राइम प्रीत पाल सिंह सांगवान ने बताया कि उक्त महिला के साथ इस काले कारोबार में उसकी मां और नरेंद्र यादव नामक एक व्यक्ति भी शामिल थे, जो अभी फरार हैं और दोनों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। उन्होंने केस रजिस्टर करवाया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें इस किसी का फ़ोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पर बातचीत करके और मकान लिया, तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पर लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और इस तरह की जब बात सिरे नहीं चढ़ पाई, उनकी लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने DLF फेज 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत देने पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो IUC नाम की लड़की थी, जो ज़बरदस्ती शादी करने के बदले या तो पैसे मांग रही थी, और उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ पे उसने बतलाया है कि इस तरह के वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। इनका एक लंबा चौड़ा सिंडिकेट था जिसमें
उसकी मदर भी और एक नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति भी शामिल था। तो अभी आयुषी को हमने गिरफ्तार किया है, जिसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो बाकी आरोपियां हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब। कितने तो साहेबान, धंधा है पर गंदा है। ये युवती जहां अभी पढ़ाई कर रही है, वहीं इसकी माँ जो इसके ठगी के धंधे में लिप्त थी, वो किसी प्राइवेट स्कूल में कार्य करने वाली बताई गई है। पर पैसा बोलता है और पैसे की चाह में इन दोनों ने घर में ही बना दिया हनी ट्रैप गैंग। लेकिन अब इनका फूट गया भांडा, तो जनाब पैसा भी सब कुछ नहीं है। अपराधी आखिर पुलिस से बच नहीं सकता। ऐसे शातिर अपराधियों से आप भी रहे सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।